हे गाइस व्हाट्स अप, आज वेडनेसडे है और हम आज कवर करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल में सबसे बेसिक चीज जो है कार का सेगमेंट्स। कार के सेगमेंट्स में हम लोग को यूजुअली ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सेगमेंट्स क्या है। हम लोग देखते हैं अपनी आरसी बुक में, अपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स में, या तो अगर किसी के पास कार नहीं है वो सब कंफ्यूजन्स रहते हैं कौन से सेगमेंट में जाए और विच विल बी द बेस्ट सेगमेंट फॉर अस टू चूज फ्रॉम। तो ये सेगमेंट का जो डिसीजन लेना होता है वो अपने ऊपर है कि आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कौन से टेरेन पे हम कार चलाने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंसिडर की जाती है बिफोर बाइंग अ कार। लेकिन आज बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि सेगमेंटेशन कैसे किया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम, ये जो सियाम है, सियाम ये सेगमेंटेशन डिसाइड करता है और इसी सेगमेंटेशन के मुताबिक जो भी कंपनियां कार को मैन्युफैक्चर करती है वो सब इसी सेगमेंटेशन के अंडर में होता है। तो कैसे किया है सेगमेंटेशन, कौन सी कार कौन से सेगमेंट में आती है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का ये सेगमेंटेशन ऑफ द कार। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारे पास दो तरह से सेगमेंटेशन की हुई प्रोसीजर्स है। एक है वो लेंथ के बेसिस पे किया है, जो दूसरा है वो कार की प्राइसेस के बेसिस पे किया है। लेंथ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन्स रहता था क्योंकि अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो कोई भी हैचबैक अगर हम देखें, यानी अल्टो है या नैनो है, तो वो सब बजटेड कार्स में कंसीडर होती है। लेकिन अगर वही सेगमेंट में जाए, उसके लेंथ के मुताबिक जाए, तो फॉक्सवैगन बीटल है। तो बीटल और अल्टो यानी कोई कंपैरिजन नहीं है, स्विफ्ट और अल्टो सॉरी बीटल और स्विफ्ट कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसके मुताबिक कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो इसके मुताबिक, और इसके लिए हम लोग ने जो मैन्युफैक्चरर्स है उन सब ने मिलके एक दूसरा सेगमेंटेशन बनाया है। पहले हम ये जो सेगमेंटेशन है वो देख लेते हैं कि कौन से लेंथ की कार कौन सी सेगमेंट में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है सियाम का सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन सेगमेंट्स एज पर दी कार लेंथ, राइट। तो सबसे पहला जो सेगमेंट आता है कार में वो है A1 सेगमेंट। A1 सेगमेंट यानी अप टू 3400 mm की जो लेंथ रहती है, 3400 mm की लेंथ। ओवरऑल लेंथ में आपको बता देता हूँ, फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बम्पर का जो एंड रहता है उसको हम लोग ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। तो इसमें जो कंसीडर किया गया है वो ओवरऑल लेंथ है कार की। उसमें दो तरह की लेंथ रहती है, एक जो व्हील बेस रहता है उसको भी हम लोग लेंथ में कंसीडर कर सकते हैं, और ओवरऑल लेंथ जो रहती है कि गाड़ी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके फिनिश होती है वहाँ तक, तो हम लोग कंसीडर करेंगे इसमें स्टार्ट बम्प फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर। तो ये जो हो गया पूरा गाड़ी का शेप हो गया, वो उसकी ओवरऑल लेंथ हो गई। तो यहाँ पे जो A1 सेगमेंट है, A1 सेगमेंट जो अंडर 3400 mm यानी अप टू 3400 mm की जो भी गाड़ियाँ आती है जिसकी ओवरऑल लेंथ 3400 mm हो, वो सब गाड़ियाँ इसमें आती है जो A1 सेगमेंट है। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम नैनो कंसिडर कर सकते हैं, नैनो जो है वो A1 सेगमेंट में आती है। दूसरी जो कार है, दूसरा जो सेगमेंट है वो है A2 सेगमेंट यानी 3401 to 4000 mm। 3401 to 4000 mm बेसिकली ये जो है वो A2 सेगमेंट है, और इसको भी नियर अबाउट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये नियर अबाउट अराउंड जो नैनो है, अल्टो है, फिर ये अपना वेगनर हो गया, तो ये सब हैचबैक्स में आता है। तो अगेन वहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है कि कौन सा 3400 के अंडर है, कौन सा 3400 के अबव है, और अप टू 4000 mm कौन सा है। तो अगेन ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए जो इसके बाद वाला जो मैं आपको शीट दिखाने वाला हूँ वो शीट में वो मैं सारा कन्फ्यूजन से वो दूर कर दूंगा। तो अभी देखते हैं A2 सेगमेंट, वो होता है 3401 to 4000 mm। उसके जो एग्जाम्पल्स है वो है अल्टो K10 और वेगनर। अल्टो K10 और वेगनर है वो A2 सेगमेंट में आते हैं, वो क्योंकि उनकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 3401 to 4000 mm के बीच में है। इसके बाद आता है A3 सेगमेंट,
A3 सेगमेंट में जनरली हम लोग कॉम्पैक्ट सेडान्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें हैचबैक विद अ बूट बोला जा सकता है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप पूरी वीडियो वॉच करें और मैं पूरे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी कवर कर दूंगा। तो ये जो हुआ A3 सेगमेंट स्टार्ट होते हैं 4001 to 4500 mm। 4001 to 4500 mm जितनी जिन कार्स की लेंथ है वो सब लेंथ की कंसिड्रेशन होती है A3 सेगमेंट में। जैसे कि कॉम्पैक्ट सेडान में हमारे पास हो गई मारुति सुजुकी की डिज़ायर, होंडा की अमेज और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। मैंने अभी जस्ट आपको मालूम पड़ जाए इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल्स ही दिए। चौथा जो सेगमेंट है वो A4 है। A4 4501 to 4700 mm, यानी ये हो गया पर्टिकुलर सेडान। सेडान में हमारे पास जो ऑप्शंस है यानी एग्जांपल्स है वो है टोयोटा कोरोला ले लीजिए, शेवरलेट क्रूज ले लीजिए। तो ये सब हो गया A4 सेगमेंट में। A5 4701 to 5000 mm थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आता है। जनरली इतनी लेंथ जनरली हमारे जो इंडिया की कार्स रहती है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की कार्स है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसकी जो प्राइसिंग वगैरह जो रहती है वो प्राइसिंग है वो इसकी लेंथ के ऊपर भी ज़्यादातर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी लेंथ कम हो, हम लोग ने सुना होगा कहीं पे भी फिर ये कॉम्पैक्ट सेडान है तो कंपनी ने कॉम्पैक्ट सेडान प्रोडक्शन क्यों चालू किया। हालांकि उसमें उससे अच्छी तो अपना जो सेडान है रेगुलर वो तो चल ही रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कंपनी ने ये सोचकर चालू किया के एक हैचबैक और सेडान के बीच में कुछ ऐसा वेरिएंट चाहिए लोगों को, जिससे उन लोग को बूट स्पेस का भी फायदा मिले, अंदर भी इंटीरियर में अच्छा स्पेस हो, लेग रूम भी अच्छा मिले, हेड रूम भी अच्छा मिले, सब तरह से सेडान की जो भी फीचर्स है जो भी फील है वो एक हैचबैक में कैसे दे। तो ये जो सेगमेंट है डिजायर और अमेज वाला जो सेगमेंट है हमने अभी डिस्कस किया A3 सेगमेंट, तो ये जो सेगमेंट है वो हमें वही फील सेडान वाली फील जो है सेडान वाले जो फीचर्स है वो सब इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको बूट स्पेस भी मिल जाती है, अंदर की जो स्पेस है वो भी अच्छी मिलती है, लेग रूम भी अच्छा मिलता है, हेड रूम शोल्डर रूम सभी चीज़ें अच्छी आपको मिलेगी। तो ये सेगमेंट है वो किन के लिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मुझे लेनी है सेडान, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेडान कार लेनी है लेकिन मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं A4 या A5 में जा सकूँ, तो मेरे पास सेडान का तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सेडान का ऑप्शन ना होने की वजह से मुझे जाना पड़ेगा कॉम्पैक्ट सेडान में, जबकि वो नहीं था तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब कि मुझे ज़्यादा फाइनेंस करवा के ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट करके मुझे कंपलसरी सेडान में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन है और ये इंडिया में अच्छा चल रहा है। और ये क्यों अच्छा चल रहा है, इसका मेन रीज़न यही है कि ये सब 4 meters कार है, अप टू 4500 mm का ये जो फॉर्मूला है, तो ये 4500 mm का फॉर्मूला इसमें इफेक्ट करता है इसकी प्राइसिंग में। इसकी प्राइसिंग बहुत कम रहती है, इसके कम प्राइसिंग होने के बावजूद भी हम लोग को अच्छे फीचर्स अच्छी स्पेस और बूट स्पेस हम लोग को मिल जाती है। तो अभी देखते हैं A5 तो वो 4701 to 5000 mm यानी एकॉर्ड और कैमरी जिस सेगमेंट में आता है वो है A5। इसके बाद आता है A6 वैसे बहुत प्रीमियम हो गया, बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं मोर देन 5000 की जो सेडान्स रहती है, मोर देन 5000 mm यानी बहुत लंबी कार होती है, तो ये A6 सेगमेंट है वो अबव 5000 mm में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। OD8 और अपना हो गया जेगुआर का XJL। दोस्तों दूसरा जो सेगमेंट है वो है जो बहुत फेमिलियर सेगमेंट है, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत देखते हैं और ये सब सेगमेंट्स ऐसे हो गए जो हम लोग सभी सेगमेंट देखते हैं, लेकिन ये सेगमेंट को कैसे मीन्स के टेक्निकल लैंग्वेज में कौन सा सेगमेंट बोला जाता है ये आप लोग को मालूम नहीं था, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको सोल्व करके देता हूँ। चलिए अभी आता है वैन की टर्न। वैन का जो सेगमेंट है दोस्तों वो है B1 पर्टिकुलरली हम लोग वैन के लिए हमने सेट किया हुआ है। वैन में कौन कौन सी कार्स आती है, इसमें लेंथ नहीं आती है। देखिए ये एक चीज़ ऐसी है, इसमें हम लोग लेंथ नहीं लिया है क्योंकि वो पर्टिकुलर सेगमेंट ही वैन का हो गया। अभी वैन में आप ले लीजिए मारुति सुजुकी ओमनी ले लीजिए, मारुति सुजुकी इको ले लीजिए, कोई भी कार ले लीजिए जो वैन में कंसीडर कर सके। तो ये हो गया वैन का सेगमेंट। और B2 जो सेगमेंट है ये MUV है, MPV है, इनोवा सफारी स्ट्रोम।
यानी एक्चुअली सफारी स्ट्रॉम हम एसयूवी में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एज पर दिस हम लोग को ये इसी में कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये सियाम का डेटा है और यही डेटा अभी तक कंसीडरेशन में लिया जा रहा था। लेकिन अभी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होने के बाद देर आर माइनर वेरिएशंस, और जो ये एमएम वाला फॉर्मूला है उसके बदले प्राइसिंग वाला और बॉडी की बिल्टअप टाइप का फॉर्मूला अभी आ गया है। तो बॉडी बिल्टअप टाइप क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी ये हो गया एमएम वाला। अभी इसके बाद हम अगर देखेंगे, इसके बाद हमारे पास जो सेगमेंट्स आते हैं वो जैसे मैंने बोला इसमें एमएम वाली फॉर्मूला चली गई। अभी जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुली काम कर रही है, जो इफेक्टिवली हम लोग को अच्छा प्रोडक्टिविटी वाइज हम देखें तो यही फॉर्मूला से हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो ऐसी है कि इसमें प्राइसिंग के मुताबिक और बॉडी टाइप के मुताबिक इसमें दो तरह से ये जो है सेगमेंटेशन किया हुआ है। इसके जो सेगमेंट्स है वो स्टार्ट होते हैं ए से, जो आता है वो है 3.5 लाख और उससे कम, यानी 3.5 लाख और उससे कम वाली जो भी गाड़ियां रहती है, यानी कि आप ले लीजिए अल्टो है, नैनो है, ये सब कार्स है, वो ए सेगमेंट में आ गई। A1 में हैचबैक लेस देन 6 लाख, तो हैचबैक लेस देन 6 लाख में कौन सा आता है, रीट्स, ग्रैंड आइटन है, जो भी 6 लाख से कम की प्राइस में हैचबैक आती है, जो अल्टो और नैनो से एक स्टेप आगे वो है A1 सेगमेंट। अभी जो आता है A2 सेगमेंट बिटवीन 6 to 7.5 लाख, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं इलाइट i20 है, फिर आप देख सकते हैं फियाट पुंटो है, दो तीन ऐसे मॉडल्स है जो इंडिया में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छे चल रहे हैं, वो सब ऐसे मॉडल्स है। इलाइट i20 है, फियाट पुंटो भी अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन अभी उसका ब्लूमिंग सेल हो गया है। दो तीन ऐसे फीचर्स है उसमें जो फीचर्स वो और कोई कंपनी नहीं देती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी ये सब ठीक है। वो तो पर्टिकुलर एक मॉडल की बात हो गई, वो हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी जो है वो मैं आपको सेगमेंट्स बता रहा था। तो ये हो गया A2, अभी देख रहे B1 सेगमेंट। दोस्तों इसमें थोड़ा ये है, क्योंकि जो बॉडी टाइप का जो फॉर्मूला आता है वो बॉडी टाइप का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ तक की जो सेगमेंट्स थी वो प्राइसिंग के बेसिस पे थी, ये जो सेगमेंट्स है वो अपने बॉडी टाइप के बेसिस पे है। तो ये हो गया B1, अगेन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। B1 में सिर्फ और सिर्फ वेंस ही आएगी, वेंस में ओमनी है, इको है, राइट। तो ये हो गया वेंस, और अभी उसके बाद आएगा B2। B2 में क्या आता है, MUV, MPV, अभी यहाँ पे चेंज आ गया, देखिए MUV, MPV, MUV में क्या आता है, इनोवा, और MPV में क्या आता है, बोलेरो। तो ये जो मैं आपको पूरा डेफिनेशन भी दूंगा अभी, इसके बाद में पिक्चर्स के साथ भी मैं आपको एक स्लाइड बताऊंगा और इसकी ज्यादा डिटेल्स भी दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखें, आप श्योर करें आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरा जो इसके बाद वाला जो सेगमेंट है वो है C1। C1 में सेडान्स लेस देन 8 लाख, अभी यहाँ से सेडान स्टार्ट होता है। यहाँ तक था हैचबैक था, उसके बाद वैन, MUV, MPV, और अभी आ रहा है सेडान। सेडान सेगमेंट जो अंडर 8 लाख है, अंडर 8 लाख वाले जो सेडान है वो है अमेज है, एक्सेंट है, फिर डिजायर हो गया, जो भी कॉम्पैक्ट सेडान्स में आता है और वो अंडर 8 लाख की प्राइसिंग में फिक्स बैठता है, वो सब गाड़ियां इसमें आ जाएंगी। फिर होता है C2। C2 सेडान्स में जो भी कार, जो भी सेडान्स लेस देन 9.5 लाख, यानी 9.5 लाख से कम में जो भी सेडान आ रही है वो सब सेडान C2 सेगमेंट में आएगी। फॉर एग्जाम्पल CT है, सियाज है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, अभी मैंने दो ही लिखे हैं। फिर उसके बाद आता है बिलो 15 लाख का सेडान्स है, वो आता है D1 में। D1 यानी सेडान्स लेस देन 15 लाख। कौन से ऑप्शन है हमारे पास, क्रूज है और एलांट्रा है, ये दो मैंने एग्जाम्पल में दिए, बाकी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडर 15 लाख हम लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स, बहुत सेफ्टी फीचर्स, बहुत इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी ये प्राइसिंग के अंडर में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्रूज देखें तो क्रूज में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है, पावर है, परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, रोड ग्रिप है, ब्रेकिंग है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। तो ठीक है, अगेन मैं वापस मॉडल पे आ गया, मैं वापस आ जाता हूँ अपने सेगमेंटेशन पे। तो ये जो हो गया वो D1 था, उसके बाद आता है D2।
सेडान्स लेस देन 25 लैक्स, सेडान्स लेस देन 25 लैक्स में एक ही मैंने एग्जांपल दिया है सुपर्ब। रीजन ऐसा स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है, ये लेस देन 25 लैक्स में मेरी चॉइस है वो सुपर्ब है, तो वो सुपर्ब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। उसके कॉम्पिटिटिव जो भी कार्स है वो आप देख सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल इसमें जो सेगमेंटेशन है उसमें लास्ट एंड फाइनल वो है एसयूवी, एंड माय फेवरेट एसयूवी सेगमेंट में। एसयूवी सेगमेंट को पर्टिकुलरली A1, A2, B2 कुछ नहीं कहा है, एसयूवी को पर्टिकुलरली एसयूवी ही कहा है क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, राइट? तो ये हो गया एसयूवी, और इसमें मुझे एग्जाम्पल देने की वैसे ही जरूरत नहीं है। जरूरत है दोस्तों, अगर नहीं है तो भी मैं दे देता हूँ। एसयूवी में हो गया फॉर्च्यूनर, XUV500, नो नीड टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर एसयूवी, राइट? सो कीप वॉचिंग, मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर सेगमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स है उसके पिक्चर्स के साथ में भी आपको दिखाना जा रहा हूँ, तो देखते रहिए दोस्तों। जैसे मैंने बोला बॉडी टाइप्स यानी हैचबैक, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बॉडी टाइप्स के बारे में मालूम नहीं है, यानी कि हैचबैक क्या है, एक्चुअली हैचबैक की डेफिनेशन क्या है? गाइस आपने सुना होगा 2 बॉक्स कार, 3 बॉक्स कार, यानी अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, देखिए फ्रंट बॉक्स जो हो गया वो है इंजन कंपार्टमेंट, दूसरा जो बॉक्स है वो है इंटीरियर चैम्बर, राइट? जो जिसमें हम लोग बैठते हैं, जिसमें सीट्स वगैरह रहती है। तो ये हो गया फ्रंट बॉक्स और रियर बॉक्स, तो 2 बॉक्स हो गया। अभी जो सेडान्स है उसमें 3 बॉक्स आते हैं क्योंकि आगे जो रहता है वो इंजन चैम्बर रहता है, दूसरी जो बॉक्स है उसमें हम लोग का इंटीरियर रहता है, और थर्ड बॉक्स में हमारे पास जो रहे वो है बूट स्पेस। बूट स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी सेडान्स जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि उसमें बूट स्पेस ऑफर करता है। इंडिया के अंदर हैचबैक इज द मोस्ट प्रीफर्ड बॉडी टाइप्स टू ड्राइव, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो A1, ये जो सेगमेंट्स है उसमें हम लोग ले सकते हैं मारुति सुजुकी की अल्टो और टाटा नैनो। ये हो गया अपना A1 यानी ए और A1 यानी हैचबैक। इसके बाद हम जाते हैं जो है प्रीमियम सेगमेंट यानी प्रीमियम हैचबैक, तो ये हो गया VW पोलो और Hyundai i20। वैसे एग्जांपल्स तो आपको देने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो दूसरे जो हमारे सेगमेंट्स है उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ। तो अभी जो इसके बाद का सेगमेंट्स है वेंस, आप सबको मालूम है इको और ओमनी, ये जो सेगमेंट हो गया B1, तो B1 सेगमेंट में हम लोग ने लिया है इको और ओमनी। ये पर्टिकुलरली ऐसा सेगमेंट है कि इसमें बहुत कंपटीशन नहीं है। आप लोग ने देखा होगा कि इको का कंपटीशन क्या है, वो 3 लाख 50,000 में ये ऑन रोड हो जाती है गाड़ी। 7-सीटर 8-सीटर का ऑप्शन है अराउंड, सॉरी 7-सीटर और 5-सीटर का ऑप्शन है इको में, 5-सीटर विद AC, 5-सीटर विद CNG और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है इसके अंदर हम लोग को 3-3.5 लैक्स में मिल जाता है। ओमनी अराउंड 3 लाख में आपको 8-सीटर का ऑप्शन दे रही है, इसका कोई नेचुरली कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये जो सेगमेंट है वो भी हमारे पास अच्छा चल रहा है क्योंकि जो बड़े फैमिलीज है जिनको कार की रिक्वायरमेंट है लेकिन बजट थोड़ा कम है, देन दे कैन गो फॉर इट। और ये हम बहुत बोलने जैसी बात नहीं है लेकिन ये हम देख ही रहे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मीन्स के फैमिलीज जो है वो ये कार ड्राइव करके अपना जो डे टू डे यूज है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो है ये है MUV MPV यानी B2 सेगमेंट। B2 में क्या आता है बेसिकली देखिए, इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें 3 सेगमेंट है बेसिकली B2 के अंडर में, इसमें मैंने ऊपर मेंशन किया है MUV MPV, राइट? तो ये हो गया मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ये हो गया मल्टी पर्पज व्हीकल। मल्टी यूटिलिटी में तो हम लोग को मालूम है इनोवा आती है, मल्टी पर्पज में मालूम है कि महिंद्रा बोलेरो आती है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए जस्ट आपको एग्जांपल दिया। अभी इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है वो है अर्टिगा भी बोल सकते हैं आप, होंडा मोबिलियो भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो है LAV। एक्चुअली मारुति ने इसको LUV बोला है लेकिन परफेक्ट वर्ड जो है इसका वो है LAV, दैट इज लेजर एक्टिविटी व्हीकल। लेजर एक्टिविटी व्हीकल यानी क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास इको है, वैन है, जिनका फैमिली बड़ा है, अभी जिनका फैमिली बड़ा है और उनकी बजट है वो थोड़ी कम है, तो
तो वो इनोवा नहीं ले सकते, नेचुरली नहीं ले सकते, क्योंकि ये अराउंड आई थिंक ये स्टार्ट होगा 14-15 लैक्स के बजट से और बजट है अराउंड बिलो 5 लैक्स, तो इसके बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जैसे मैंने बोला कि इसके बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नेचुरली कस्टमर्स वर ट्राइंग टू यू नो रीच टू मारुति शोरूम, राइट। तो इसके बाद एक ऑप्शन आ गया कि लेजर एक्टिविटी व्हीकल जो इनोवा और अपना जो है वो इको के बीच में एक अच्छा ऑप्शन हो, और वो सेडान की कंपैरेटिव प्राइस में बोल सकते हैं कंपैरेटिव प्राइस, क्योंकि सेडान आजकल आ रही है आपके वो अराउंड 8 लाख 9 लाख में आप जाएंगे तो भी तो ये अच्छा सेडान आपको मिलेगा, कॉम्पैक्ट सेडान ही नेचुरली। तो ये जो प्राइस टैग है वो प्राइस टैग के ड्यूरेशन में सॉरी ये प्राइस टैग के अंदर आपको मिलेगा ये लेजर एक्टिविटी व्हीकल। आप जान सकते हैं ये अर्टिगा है, अर्टिगा भी बहुत सक्सेसफुली इंडिया में रन कर रहा है, और मोबिलियो हो गया होंडा का, फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैंने अभी यहाँ पे यही एक ऑप्शन लिया है कि सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए। इसके बाद का जो सेगमेंट है दोस्तों, ये थोड़ा ट्विस्टेड सेगमेंट है, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। एक्चुअली ये एस्क्रो से आपने जहाँ तक मुझे मालूम है आपको मालूम ही होगा ये एस्क्रो से ये क्रॉस ओवर है ये वो। बेसिकली है क्या ये क्रॉसओवर, किसे बोलते हैं हम लोग क्रॉसओवर, ऑल्सो नोन एज अ क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल, यानी CUV बोल सकते हैं इसे, CUV। CUV यानी क्या कि आपको जो बिल्ट है वो कार के प्लेटफॉर्म पे बिल्ट की हुई SUV मिल रही है, बस सिंपल। SUV का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो चेसिस पे बिल्ट हुई होती है, जो एक्चुअल SUV रहती है। आप कोई भी ले लो, कोई भी SUV ले लो, आप टोयोटा की अपना फॉर्च्यूनर ले लो, फिर ये फोर्ड का एंडेवर ले लो, SUVs वो एक चेसिस पे बिल्ट की गई है, और वो सब चेसिस पे बिल्ट होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको अटैच करते हैं वो चेसिस के साथ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मोनोकोक बॉडी रहता है, एक ही बॉडी जो कार की फ्रेम रहती है वही फ्रेम पे ही है बॉडी बिल्टअप हुई होती है, लेकिन इसकी जो हाइट्स वगैरह रहती है वो हाइट ज़्यादा रहती है, और इसके जो फीचर्स है वो सेडान की तरह है, इसकी जो फील है वो SUV की तरह है। यानी मैं भी आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ SUV एंड सेडान, आप जब गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको जो फील मिलेगी, जो परफॉर्मेंस मिलेगा, सॉरी आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा, वैसे मैं खास नहीं बोल सकता इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि 1.3, 1.6 दो ही इंजिन ऑफर कर रहा है मारुति। ह्युंडई है वो 1.4 ऑफर कर रहा है, आई थिंक फियाट है वो 1.3 ऑफर कर रहा है, ज़्यादा परफॉर्मेंस की ये नहीं है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। इसमें जो फीचर्स रहते हैं वो सब सारे सेडान्स के रहते हैं। इसमें जो सीटिंग पोजीशन है, यानी कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जो एंगल है, जो आपको विजिबिलिटी मिलती है, वो बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, जो एक अच्छी SUV में लोग आराम से अपना जो रोड होता है वो रोड आराम से देख सकते हैं बैठ के, वही फीलिंग आपको SUV वाली फीलिंग इसमें आ सकती है। तो ये हो गया हमारा क्रॉसओवर। क्रॉसओवर इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कॉम्बिनेशन है सेडान और SUV का। तो ये हो गया क्रॉसओवर। इसके एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल तो हो गया ये S-Cross, जो नाम ही बता दे रहा है कि क्रॉस यानी क्रॉसओवर। दूसरा हो गया i20 एक्टिव, और तीसरा है फियाट एवेंचुरा, राइट। तो ये हो गया क्रॉसओवर सेगमेंट यानी CUV। ये हो गया कॉम्पैक्ट सेडान जिसके बारे में अभी मैंने बात की। तो इसके लिए हो गया मारुति सुजुकी डिजायर, ह्युंडई एक्सेंट, राइट, होंडा अमेज। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कि आपको सबको मालूम हो गया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट है, सॉरी मैं आपको बोलना भूल गया कि ये जो है सेगमेंट कॉम्पैक्ट सेडान, वो CS और C1 भी कहा जाता है इसको, इसके टेक्निकल टर्म्स में। ये जो सेगमेंट है वो C2 यानी एक्चुअल सेडान। तो ये हो गया अपना होंडा सिटी, दूसरा हो गया ह्युंडई वर्ना, तीसरा हो गया नहीं मारुति सुजुकी सियाज, राइट। और इसका जो सेगमेंट है वो C2 है, और अभी जो आ रहा है सेडान सेगमेंट, उसमें भी D1 जो अंडर 15 लैक्स में हमको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहा है उसमें। तो ये हो गया अपना शेवी क्रूज, शेवी मैंने पर्टिकुलरली शेवी लिखा है, शेवरोलेट क्रूज, ह्युंडई एलेंट्रा और टोयोटा कोरोला। तो ये सब हो गया इसके बेस्ट एग्जांपल्स जो अंडर 15 लैक्स में हम लोग को D1 सेगमेंट पे सेडान मिल रहा है। गाइस, सेडान्स
मोर देन, यानी बोल सकते हैं कि अराउंड 25 लैक्स, 25 लैक्स के आसपास वो हो गया स्कोडा सुपर्ब VW पसार। वैसे ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है लेकिन ब्रांड्स अलग है। स्कोडा सुपर्ब VW पसार D2 सेगमेंट राइट, मोस्ट हीटेड सेगमेंट। जब मैंने आपको बात की थी कॉम्पैक्ट सेडान की, उसके बाद जो मैं नंबर दूंगा मोस्ट हीटेड, यानी हीटेड यानी क्या है वो परचेस्ड, हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट परचेस्ड मोस्ट प्रीफर्ड सेगमेंट, तो ये है। क्योंकि जैसे हम लोग ने बात की कि मुझे सेडान चाहिए लेकिन इतना बजट नहीं है तो मेरे पास कॉम्पैक्ट सेडान है, वैसे ही मुझे अगर SUV चाहिए तो मेरे पास है कॉम्पैक्ट SUV। ये इंडिया है दोस्तों, यही चलता है यहाँ पे, कॉम्पैक्ट ही चलेगा। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट सेगमेंट, कॉम्पैक्ट SUV D2, यानी D2 सेगमेंट में कॉम्पैक्ट SUV बहुत चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फोर्ड इको स्पोर्ट्स आने के तुरंत ही बाद, लॉन्चिंग के तुरंत ही बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 ईयर का वेटिंग पीरियड था इसमें, बिग थिंग। रेनो डस्टर, सॉरी यहाँ पे नाम थोड़े चेंज हो गए, मैं नाम कार के पिक्चर्स के मुताबिक बोलूंगा, ये ह्यूंडई क्रेटा, ये रेनो डस्टर। तो ये भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल मॉडल्स है इन सब कंपनियों के। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट SUV, मुझे अगर SUV चाहिए, मेरा बजट कम है, आई एम हैविंग एन ऑप्शन राइट। सो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। परफॉर्मेंस अगर आप बोले तो परफॉर्मेंस आप SUV की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें, फील SUV की एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। रफ रोड पे अगर आपको ड्राइव करना रहता है, कॉम्पैक्ट SUV अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, अराउंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाएगा, 180 का 195 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है। तो फील देगी वो आपको SUV की, लुक्स देगी, लुक्स यानी अराउंड नियर अबाउट लुक्स जो है वो SUV के ही है। आप डस्टर देख लो SUV के लुक है, आप क्रेटा देख लो SUV के लुक है, लेकिन ये एक्चुअल SUV नहीं है। अगर ह्यूंडई की बात करें तो SUV ह्यूंडई के पास कौन सी है, सेंटा फे राइट, सॉरी हाँ रेनोल्ट की, अगर रेनो की बात करें तो रेनो के पास कौन सी SUV है, कॉलियोस राइट। फोर्ड के पास कौन सी SUV है, एंडेवर। तो पर्टिकुलर SUV के सब सेगमेंट में भी सब कंपनियों के पास अच्छी अच्छी SUVs भी अवेलेबल। अगर मारुति की बात करें, पहले थी विटारा राइट, वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है और अभी वहां पे मैंने कुछ नहीं रखा है मारुति का। पर्टिकुलर SUV सेगमेंट मैंने पर्टिकुलर इसलिए लगाया क्योंकि ये सही में SUV सेगमेंट है, इसका तो मुझे कोई एग्जाम्पल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मालूम है SUV सेगमेंट नो एग्जाम्पल्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। मेरी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट रहेगी, ऑलमोस्ट दोनों कार्स मेरी फेवरेट है, स्पेशली द न्यू फोर्ड एंडेवर मेरी दी मोस्ट फेवरेट SUV और आई थिंक आप लोग को भी बहुत अच्छी लगती होगी। तो ये हो गया स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV। SUV में आता है फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर। आप इस सेगमेंट में कोई भी कार देखेंगे, सभी कार्स आपको परफॉर्मेंस देगी, वो थ्रिल देगी, वो ऑफ रोडिंग ऑफर करेगी, बहुत सारे। एक्चुअली SUV का मेन जो फंक्शन जैसे मैंने बोला वो बिल्ट ऑन चेसिस बेसिस पे रहता है, वो चेसिस पे बिल्ट हुई होती है। इसके लिए मैं आपको और एक वीडियो करूंगा, जो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको SUV क्या है उसमें क्या रहना चाहिए वो सब मैं आपको एक ही वीडियो में मैं मस्त आराम से समझा दूंगा और आपको अच्छे से डिसीजन ले सके। इसीलिए मैं आपको यह भी जस्ट मैंने सेगमेंट समझाया। सेगमेंट समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में मैंशन करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये वीडियो है वो मेरा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फैमिली को भी बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़, थैंक यू।